अरे यो इलेक्शन में भाषण दिया रहे माइक हो गया भाई। दे माता की मात बता दे, तू सास बता दे गोरा की, शिव शंकर का गुरु बता, फिर बात करूंगा गोरा की। अष्टभुजा किसकी पुत्री थी, जिने करी सहायता चोरा की, उस साधु का नाम बता जिने करी सवारी मोरा की। हो जो पानी में आग लगा दे, कोई गावणिया है गा दे। लेकिन प्रश्न बहुत कठिन है। कठिन है लेकिन असंभव कुछ भी नहीं है। समझदार मानस ने जरा सा इशारा चाहिए, जय मूर्ख तो पल्ला पड़ जाए दूर तक किनारा चाहिए, और सतगुरु जी की सेवा करके ज्ञान का भंडारा चाहिए। मानसिक चीज नहीं थी छोटी, लोगों लिया लक्ष्मी चंद ने ज्ञान समाई करके। जिसने गुरु का सत्संग किया, जिसने गुरु की सेवा की, गुरु का सत्संग कराया, हो सकता है इन प्रश्नों के उत्तर दे भी सकते हैं, दे सके। गुरु की सेवा की है, अपना सारा पता बता दूं, मैं अपना सारा पता बता दूं। राजेंद्र सिंह नाम गुरु का, जिला भिवानी तहसील भिवानी खरक कला है गांव गुरु का, रग नियम तोड़ बैठा हुआ सच्चा माना धाम गुरु का, हर मंगल को कीर्तन करते करके ना प्रणाम गुरु का। छुट्टी लगाते हैं प्रश्नोत्तर के ऊपर 500 रुपए से सम्मान करते हैं, तहे दिल से धन्यवाद। धन्यवाद, विस्तार से बताइए। उतरा बदेगा, कोई बात नहीं, उतरा तो ले ले। बे माता की मात गायत्री, बे माता की मात गायत्री, अनसुईया शास्त्री गोरा की, शिव शंकर का गुरु अंगीरा बात सुनने औरा की, वह अष्टभुजा ब्रह्मा की पुत्री, सातों की सातवी देवियां, सारी की सारी देवियां ब्रह्मा जी के उदर से पैदा हुई थी। अष्टभुजा ब्रह्मा की पुत्री जिन्हें करी सहायता चोरों की, बालक नाथी से साधु जी ने करी सवारी मोरा की, ज्ञान भी न जाता ना भरम मिटाया, मैंने खोल सभा में गाया। और प्रश्न भी है, एक ऐसा लड़का जो अपने पिता की शादी में भी चोला बन गया, आइए कौन था वो लड़का बताइए। राक्षस का भेष देवता, कौन से युग जी
वो लड़का कितने आया कर राक्षस का भेष देवता कौन से युग जी में आया अंदन के भंडार भरे थे छिक्या नहीं भूखा खाया और जग परलो में कसर कड़ा जब पीवन नाना जल पाया हो जो बेल धर्म की लादे कोई गावणिया है गावे। देखो संशय इस बात में कैसे बिचोला ब्राह्मण ना ही तो हमने देखे बाप का ब्याह में खुद अपने पिता की शादी में लड़का बिचोला। हाँ कौन था वो लड़का? सच्चाई को सच्चाई कबूल करोगे? हाँ सुनिए लोगो, बहुत से कवियों की हमने सुन रखी कविताई, बहुत से कवियों की हमने सुन रखी कविताई, है सबका सम्मान किसी की करते नहीं बुराई, किसी तभी हो ही नहीं सबके मन की चाही, पर लोगो या खूब भी तो सब ढाला श्री लक्ष्मी चंद में पाई, जिसी मर्ज उसी दही दवाई, काम निराला कर गया और मानव जाति ना जिंदा वो जाति आला कर गया। सुभाष जाखड़ जी 500 रुपए पहले दिए, 500 रुपए से और सम्मान करते धन्यवाद। विजय सरपंच जी कई 1000 रुपए पहले, 100 रुपए से और सम्मान करते धन्यवाद। प्रसादाराम पुनिया जी 100 रुपए से सम्मान करते धन्यवाद। रामानंद पुनिया जी 100 रुपए से सम्मान करते धन्यवाद। मला मला की लड़की थी सत्यवती और राजा शांतनु मोहित हो जाता है, शादी का प्रस्ताव रख लेता है लेकिन उसने सर तड़ा दी। महाराज आपके एक ज्येष्ठ पुत्र है उसका नाम देवव्रत है, पहले भीष्म का नाम देवव्रत था। देवव्रत अगर मैं आपसे शादी कर भी लूं तो मेरे को कोई फायदे होने वाले नहीं, क्योंकि आपका जो युवराज है राजा आने वाला राजा तो आपका सत्यव्रत बनेगा, देवव्रत बनेगा। नाइस होके जब राजा शांतनु लौटने लग जाते हैं तो भीष्म खड़ा हो जाता है और प्रतिज्ञा करता है कि मैं शादी नहीं कर, ओ मैं राजा नहीं बनूंगा। अरे लड़के तू तो राजा नहीं बनेगा, कल को तेरी संतान होगी वो राजा की अधिकारी होगी। तो भीष्म प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं पालन करता हूँ, आजीवन ब्रह्मचारी का पालन करूंगा, मैं शादी नहीं कराऊंगा। इस कारण राजा शांतनु की शादी गंगा माँ के साथ हुई थी। पितामह भीष्म उसका नाम था, पितामह भीष्म भीष्म बाप का नाम भीष्म चला, जो गंगा माँ ने जाया था कर राक्षस का भेष गणेश सत्युग में जिम्मन आया था, कुबेर की होगी हार उड़े छक्या ना भूखा खाया था और जल के कारण परले होगी पर पीवण ना पाया था, परले में भी बड़का पेट बचाया मैंने खोल सभा में गायब तो पूरे हो गए होंगे। एक बात और सुन ले, ईसा भी लड़का होया तो अपनी माँ के पेट से नहीं होया, इतना भी करना काम इस धरती के ऊपर होया है। सुनिए मेरे लड़के का नाम बता दे, उस लड़के का नाम बता दे, उस लड़के का नाम बता दो, ना माता का पेट पड़ा बाप पिता ना संग के साथी बेमाता नहीं पड़ा, तेरा जन्म तेरा करी लड़ाई ना कोई सम्मुख होया खड़ा, जग में ओ मेरे मन का भाई।
इस लड़के का नाम बता दो। ना माता के पेट पड़ा, मात पिता ना संग के साथी, बे माता ना नहीं गड़ा। जन्म होते करी लड़ाई, ना कोई सम्मुख होया खड़ा। जय जयकार होने लगी जग में, जब देव लोक में जिक्र छिड़ा। हो मेरे मन का भरम मिटा दे, कोई गावनिया है गा दे। जागो हे पवन पुत्र। और देखी भाई, ये वो गाना नहीं जो हर गली में बजता हो। आपने भजन सुने होंगे, जागरण सुने होंगे, चार अक्षर पाऊंगे। पानी लेन मैं गई, मेरा गेल हो लिया बालाजी, मेरी बाल्टी के चपट गया। तीन गाना नहीं, प्रमाणिक रागनिया है, प्रमाणिक बातें हैं। लक्ष्मी चंद्र मार गिरे, श्री लक्ष्मी चंद्र मार गिरे, जब लक्कड़ हरा गाउन लागा, मर गए दादा भर पटोल गाउन लागा। और बहुत सी दुनिया पाछा छोड़ी, फिर नए नए सांग सुनाउन लागा। एक लक्ष्मी चंद का माई चंद चेला, काट बैल जी हल्ला करता, नौटंकी पर बागों के माँ खटोले से सल्या करता, और आगे आगे नौटंकी फिर पाछा वहां मन चल्या। लक्ष्मी चंद मारी की बन गए, श्री लक्ष्मी चंद मारी की बन गए, जब बांधा करता साड़ी, इब ज्ञान रहना दुनिया ना वागे गाड़ी। आपके अंदर दिमाग है, गणेश नाम उस लड़के का जो ना माता के पेट पड़ा, गौरव माने करी कढ़ाई, बे माता ने नहीं गड़ा। न्यू किस तरह एक समय का जिक्र होता है, शिवजी महाराज कैलाश पर्वत पर तपस्या करने के लिए चले जाते हैं और इधर से तपस्या का समय भी पूरा होने वाला होता है। हा? एक रोज का जिक्र है, माँ गौरा माँ पार्वती स्नान कर रही होती है। जैसे ही स्नान की तैयारी करती है, एक महल से एक पुतला तैयार कर देती है, उसमें प्राण डाल देती है और वो लड़का हो जाता है। एमा मेरे लिए क्या 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 है कि बेटा मैं अंदर स्नान कर रही हूं, जब तक मैं स्नान करके बाहर नहीं आ जाती, कोई भी पुरुष अंदर नहीं आना चाहिए। देवजी के ऊपर नियुक्त हो गया और इधर से शिवजी महाराज की तपस्या पूरी होगी। वो जैसे घर के अंदर आए, दरवाजे पर रोक दिए, महाराज आप कौन हो? अंदर मैं अंदर जाऊंगा कि अंदर आप नहीं जा सकते, अंदर मेरी माता स्नान कर रही है। शिवजी महाराज ने देखा, हो तेरे घर में रुखाड़ा कौन से? सजनों आवेश में आके, छो में आके, गुस्से में शिवजी महाराज ने गणेश का सर काट दिया। और जब भीतर गए तो गोरा माने कहा, महाराज बाहर आपका बेटा था कि मेरा बेटा? कि हाँ, कि पार्वती मैंने तो उसका सर काट दिया। रुदन करती, विलाप करती है और फिर स्तुति करती है कि महाराज मेरे बेटे को सरजीवन करो, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश के अंदर सरजीवन विद्या सिर्फ शिवजी महाराज को याद थी। ए महाराज मेरे बेटे को सरजीवन करो, कि सरजीवन तो मैं कर दूंगा, लेकिन जब करूंगा, कोई भी मां अपने बेटे से पीठ फेरे पागी, मैं उसका सर काट के इसके लगा दूंगा। इतिहास देखना, तथ्य देखना, कवियों की कल्पना देखना। अगर शिवजी महाराज चाहते तो गणेश जी का वही सिर वापिस ला सकते थे, लेकिन इतना वेग से सिर काटा कि वो सिर जाके लंका में पड़ गया, और लंका रावण को भगवान ने दान दे रखी थी, वहां से चीज कोई ला नहीं सकती। इसलिए लड़का लेके चल देते हैं, जंगल में जाके देखा एक हथनी अपने बेटे से पीठ फेरे पागी, शिवजी महाराज ने हथनी का सिर काट के और गणेश जी का लगा दिया। जब से गजराज है गणराज, जब तो सुन लो भाई, जोरदार तालियां बजाइए। बाली राम मेघवाल जी 100 रुपए से सम्मान करते, श्री श्याम मित्र मंडल कई हजार रुपए पर 100 रुपए मिल जाए तो सूरत नहीं देखी जाती, और सोचना जो बात पसंद आ जाए उसकी कीमत नहीं देखी जाती। और ये विजय विजय कांडी जी की तरफ से सत्य सलाह पे
विजय कांडी जी की तरफ से। भूतपूर्व सरपंच राजेंद्र जी 500 रुपए से सम्मान करते, तहे दिल से धन्यवाद। थोड़ा थोड़ा हम नमस्कोड़ा मार ले। आखिरी प्रश्न सुना के जन्म देती है, लेकिन एक ऐसी लड़की हुई जिसने एक बच्चे को एक पल में जन्म दे दिया। अपने मन पे प्राण त्याग के फिर लड़की का चोला पाया, वही सिंहासन पड़ी जरूरत, पति मौका ना ब्याह करवाया। उस लड़की का नाम बता जिसने एक पल में पुत्र जाया और पति की सेवा करने लागी, पुत्र का सर करवाया। और श्री लक्ष्मी चंद्र ने समझा दे कोई गावनिया है गा दे, अपनी मर्जी से प्राण त्याग दे, अपनी मर्जी से। वही चाची कह दी, देखिए कोई भी इंसान आत्महत्या करता है, सुसाइड करता है, उसके चारों तरफ के रास्ते बंद हो जाते हैं जब करता है, नहीं तो धरती के ऊपर जो यहाँ आ गया वह जाना नहीं चाहता। तेरी दुनिया में जो भी चला आए आता यहाँ से नहीं जाना चाहता। सूर सूर से घृणित प्राणी संसार के अंदर कोई नहीं है, लेकिन लाठी लेके चलेंगे अपनी जान उसको भी प्यारी लगती है, बचने की कोशिश करेगा। और इस भजन में वो अपने मंत्र बाबू दान सिंह राठौड़ जी 500 रुपए इस राज्य को घुसों को देते, धन्यवाद। बताइए कैसे ठाट अंदावा।